हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 19.19 पे हैं और कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से देखते हैं। दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx। अच्छा, हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू में ले सकते हैं यहाँ पर a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx और प्लस का भी। चलिए यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का 3 और प्लस का भी। x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 2ax प्लस का 3a प्लस का b। अब यहाँ पे लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, दोनों को इक्वेट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। कांस्टेंट और इसको इक्वेट करेंगे तो 2a इक्वल टू में 1 और 3a प्लस का b इक्वल टू में 0। यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 1/2, यहाँ 1/2 रख दो तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 3/2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx। अब देखिए x की जगह पे क्या आ जाएगा, तो जो दूसरे स्टेप में ऊपर आया था डिफ्रेंशिएट करके, ये a इंटू में 2x प्लस का 3 प्लस में बी और बाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx। अब अलग अलग यहाँ पे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू में इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 3 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx और b इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx। चलिए a और b क्या बन रहा है, a का 1/2 और b का -3/2, a का 1/2 और b का जो है -3/2 होगा, ठीक है ना जी, -3/2 और इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस का 3x प्लस का 2dx। चलिए अब इसके बाद देखिए यहां पर 1/2 ये log x² प्लस का 3x प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, -3/2 यहां पे लिए अब सोचना पड़ेगा आपको, इसको फैक्टर कर लेते हैं, x² प्लस का 3x प्लस 2 है ना जी। एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और फिर 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे सबट्रैक्ट भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना जी। तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस का 9/4। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो ना सब 8 में से 9 गया 1/4, यानी कि आ जाएगा अब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये फॉर्मूले पे अब सेट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको लगाते हैं, यहाँ देखिए ये अलग से रखो इसको, ठीक है ना जी, ये अलग से मैंने फैक्टर करके बस आपको दिखाया। ये वाले स्टेप के बाद देखिए 1/2 log x² प्लस का 3x प्लस का 2 है ना जी, और -3/2, ये तो लॉग वाले फॉर्मूले पे हो जा रहा है ना जी, लॉग वाले फॉर्मूले पे हो जा रहा, क्या होता है इसके लिए आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/ नीचे x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना, 1/x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना जी। तो हो जाएगा 1/2a, ए के जगह पे 1/2 है, फिर लॉग x माइनस ए यानी कि x प्लस 3/2 माइनस 1/2 और x प्लस 3/2 प्लस 1/2 और प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log x² प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस 3/2 log, यहाँ देखिए x प्लस का, देखिए इसमें से 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा और नीचे देखिए 3/2 और 1/2 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा और प्लस में सी आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 नंबर इंटीग्रल निकालना है x प्लस 1 बाई में है आपका x² प्लस x प्लस का 3dx। अब यहाँ पे देखिए लेट x प्लस 1 इक्वल टू में लेंगे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस का x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस का भी। तो x प्लस का 1 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ a इंटू में 2x प्लस का 1 और प्लस का भी। यहां से x प्लस का 1 इक्वल टू में जाएगा 2ax प्लस का a और प्लस का b। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ x
एंड कॉन्स्टेंट, है ना जी। तो इक्वेट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a इक्वल टू में 1 और a प्लस बी इक्वल टू में 1, ठीक है ना जी। तो यहां से a का वैल्यू 1/2, और a का वैल्यू यहाँ 1/2 रख देंगे तो b का भी आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो a और b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को ही देखते हैं, हमें इंटीग्रल निकालना है x प्लस 1 बाई में आपका x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3dx। अब x प्लस 1 की जगह पे ये सेकंड वाला स्टेप आ जाएगा, a इंटू में 2x प्लस का 1 प्लस बी, और y में जो नीचे है x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3dx। अब अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, a इंटू में इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 1, y में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3dx, और प्लस b इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 y में x स्क्वायर प्लस x प्लस का 3dx। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, a और b का वैल्यू, a का 1/2 और b का भी 1/2, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 1 और नीचे है आपका x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3, अच्छा, और b की जगह पे 1/2 है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3dx। अब इसके बाद देखिए, ये तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3। अब यहां पर इसको सेट करना होगा, फैक्टर कर लेंगे किसका, इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का। देखिए क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, प्लस 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां से यह फॉर्मूला हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस का 1/4। चलिए तो यहां हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहां पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, 11/4 आ जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस में रूट अंडर 11/2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ 1 में हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस में रूट अंडर 11/2 का स्क्वायर dx। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 प्लस 1/2, ये देखिए 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ये tan इनवर्स वाले पे, तो 1 a यानी कि रूट अंडर 11/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 और y में रूट अंडर 11/2 और प्लस का c। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 log x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 प्लस में 1 by root under 11 tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 हो जाएगा और 2 से 2 नीचे कट जाएगा, और बाई में रूट अंडर 11 और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर दिया हुआ, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4dx। हम लोग यहाँ ले लेते कि लेट x माइनस 3 इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4dx और प्लस का b। यहाँ पर देखिए x माइनस 3 इक्वल टू में a इंटू में, यहाँ पे ये 2x प्लस का 2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, और प्लस का भी, x माइनस 3 इक्वल टू में 2ax प्लस का 2a प्लस का भी। अब लिखते हैं यहाँ पे बाय इक्वेटिंग यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है ना जी, कांस्टेंट। चलिए यहाँ पर 2a इक्वल टू में 1 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 1/2, और यहाँ पर 2a प्लस का b इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 3। a का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 2a a का वैल्यू है 1/2 प्लस b इक्वल टू में माइनस 3। चलिए ये जाके कैंसिल, 1 हो जाएगा, 1 जाके उधर माइनस होगा तो माइनस 4 आ जाएगा b का वैल्यू, ठीक है ना जी, b का वैल्यू माइनस का 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 बाई में आपका x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4dx। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की जगह सेकंड वाला स्टेप, यहाँ a इंटू में 2x प्लस का 2 प्लस में b, और बाई में आपका जो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4dx। चलिए अब अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा a इंटू में इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 2 बाई में x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4dx प्लस b इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4dx। अब a और b का वैल्यू, तो a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू माइनस का 4, ठीक है ना जी, 1/2 और ये इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 2
बाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर डी एक्स। अच्छा बी का वैल्यू माइनस का फोर है, इंटीग्रल ऑफ इसका वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फोर डी एक्स। तो इसके बात करें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, तो वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फोर हो जाएगा, माइनस का फोर इंटीग्रल ऑफ। इसके लिए क्या करेंगे तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस फोर है ना जी, यहां देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस में टू इंटू में एक्स इंटू में वन, वन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस में फोर है, ठीक है ना जी। यहां से यहां तक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस में फाइव आएगा तो रूट फाइव का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि वन बाई नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर और माइनस में रूट फाइव का स्क्वायर डी एक्स। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फोर माइनस फोर इंटू में वन बाई टू ए, ए के जगह पर रूट फाइव है, ठीक है ना जी, लॉग आ जाएगा एक्स माइनस का ए और बाई में एक्स प्लस का ए और प्लस में यहां सी, यानी कि फाइनली अब यहां आ जाएगा आपका वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फोर माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा टू बाई में रूट फाइव लॉग एक्स प्लस का वन माइनस रूट फाइव और बाई में एक्स प्लस का वन प्लस रूट फाइव प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ टू एक्स माइनस थ्री बाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू में ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स और प्लस का बी, ठीक है ना जी। चलिए तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू में ए इंटू में टू एक्स प्लस का सिक्स प्लस बी, यहाँ हो जाएगा टू एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू में टू ए एक्स प्लस का सिक्स ए प्लस का बी। यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो यहां से टू ए इक्वल टू में टू, ठीक है ना जी, और सिक्स ए प्लस बी इक्वल टू में माइनस का थ्री। तो यहाँ पे ए का वैल्यू वन आ जाएगा जाके डिवाइड में, तो यहाँ वन रख देते हैं, ये प्लस सिक्स उधर जाके माइनस का सिक्स यानी माइनस का नाइन आ जाएगा बी का वैल्यू। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें इंटीग्रल निकालना है टू एक्स माइनस थ्री बाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स। तो यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री की जगह पे सेकंड वाला स्टेप रख देंगे, आ जाएगा ए इंटू में टू एक्स प्लस का सिक्स प्लस बी और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू में इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस का सिक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स और प्लस का बी इंटू में इंटीग्रल ऑफ वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, ए का वैल्यू वन है तो वन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स। बी का वैल्यू माइनस का नाइन है, वन बाई नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन है, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू में एक्स इंटू में थ्री और प्लस का थ्री का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और थ्री का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस में थर्टीन माइनस का नाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर आ जाएगा फोर, यानी आ जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। चलिए तो ये तो भाई आपका लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन है ना जी। अच्छा और माइनस नाइन इंटीग्रल ऑफ वन बाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस में टू का स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन माइनस नाइन यहाँ वन बाई ए यानी वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री और बाई में आपका टू और प्लस का सी, यानी कि आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का थर्टीन माइनस नाइन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री बाई में टू प्लस का सी, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, फाइव नंबर में देखिए दिया है इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस वन बाई में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री डी एक्स।
चलिए अब इसमें हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट x माइनस वन इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री डी एक्स और प्लस का b। चलिए देखिए x माइनस वन इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा a इंटू में सिक्स एक्स माइनस का फोर प्लस का b। तो यहाँ पे x माइनस वन इक्वल टू में सिक्स ए एक्स माइनस का फोर ए और प्लस का b हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना जी। तो यहां पर 6a इक्वल टू में 1 हो जाएगा और माइनस का 4a प्लस का b इक्वल टू में माइनस का 1। तो a का वैल्यू 1 बाई 6 हो जाएगा, माइनस का 4 a का वैल्यू 1 बाई 6 रख देते हैं और प्लस में b इक्वल टू में माइनस 1, ये कट जाएगा 2 और यहां पे 3, माइनस 2 बाई 3 उधर ले जाके प्लस करते हैं तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस में 2 बाई 3। तो b इक्वल टू में इधर एलसीएम लेंगे 3, माइनस 3 प्लस का 2, माइनस का 1 बाई 3 आ जाएगा b का वैल्यू। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में उसको इंटीग्रेट करते हैं, x माइनस 1 बाई में आपका 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 dx और प्लस का सॉरी इक्वल टू में x माइनस 1 की जगह पर ये वाला स्टेप a इंटू में 6x माइनस का 4 प्लस का b और बाई में नीचे 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, ठीक है dx। अभी इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ a का वैल्यू 1 बाई 6 आया था, है ना जी। चलिए a इंटू में इंटीग्रल ऑफ 6x माइनस 4 बाई में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 dx और प्लस b इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 dx। a का वैल्यू है 1 बाई 6 यहाँ रख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ 6x माइनस का 4 बाई में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 dx। b का वैल्यू है माइनस 1 बाई 3, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 dx। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 बाई 6 log 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, एक काम करते हैं ना इसमें 3 अंदर ले लेते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 9 dx ये हो जाएगा ना। अब इसका फैक्टर करते हैं 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। चलिए देखिए 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x तो कितना 6 आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 2 का स्क्वायर ऐड करके 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो और प्लस में 9, तो यहां से आ जाएगा आपका 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये 9 और 9 में से 4 गया 5 तो रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए तो हो जाएगा 1 बाई 6 लॉग 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, अच्छा माइनस यहां पर देखिए 1 बाई 3x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में रूट 5 का स्क्वायर dx। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 1 बाई 6 लॉग 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस इसका डेरिवेटिव 3 आएगा तो इसलिए डिवाइड में वो रहेगा और 1 बाई a यानी कि रूट 5 है ना जी, टेन इनवर्स 3x माइनस का 2 बाई में रूट 5 और प्लस में c। अब देखिए एक काम करते हैं, 1 बाई 6 लॉग 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, यहां रूट 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन इनवर्स 3x माइनस 2 बाई में रूट 5 और प्लस का c। 1 बाई 6 लॉग 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस रूट 5 बाई में 15 टेन इनवर्स 3x माइनस का 4 3x माइनस का 2 बाई में रूट अंडर 5 और प्लस का c आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, इंटीग्रल ऑफ दिया हुआ है 2x बाई में 2 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर dx। लेट 2x इक्वल टू में क्या ले लेंगे जी, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर dx और प्लस का b। 2x इक्वल टू में a इंटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का b। 2x इक्वल टू में a माइनस का 2ax और प्लस का b। अब इक्वेट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा यहां से, माइनस का 2a इक्वल टू में 2
और a प्लस बी इक्वल टू में जीरो। यहां से a का वैल्यू माइनस वन आएगा, माइनस का वन इधर रख देते हैं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा जी यहाँ पे प्लस का वन आ जाएगा। अब देखते हैं हमें जो इंटीग्रल निकालना है 2x बाई में 2 माइनस 2 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर dx। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x के जगह पर रख देते हैं a इंटू में 1 माइनस का 2x प्लस बी और बाई में नीचे आपका 2 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर dx। अब अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा। तो a इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का 2x बाई में 2 प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस में b इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में 2 प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन रखेंगे तो माइनस इन सिर्फ रहने देते हैं और नीचे आपका 2 प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर और b का वैल्यू 1, तो 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ भी 1 दिखा दो। अब देखिए इसका तो ठीक है भाई, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो माइनस ऑफ लॉग 2 प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, इसका फैक्टर कर लेना होगा 2 प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर है ना जी, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे x का स्क्वायर प्लस का और माइनस का x। अब इसका फैक्टर करें 2 माइनस, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 1 बाई 2, 1 बाई 2 का स्क्वायर एड करो, 1 बाई 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ब्रैकेट बंद, 2 माइनस यहाँ से x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4, इसको इसको ऐड कर देते हैं तो 9 बाई 4 माइनस में x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस में x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस में x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। माइनस ऑफ लॉग 2 प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में, ये देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हो जाएगा 1 बाई 2 a लॉग, क्या हो जाएगा जी यहाँ पर लॉग आ जाएगा आपका a माइन a प्लस एक्स, यानी कि 3 बाई 2 प्लस में x माइनस 1 बाई 2 और a माइनस का x, 3 बाई 2 माइनस x और ये माइनस लगेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1 बाई 2 और प्लस में c, यानी आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 2 प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस में 1 बाई 3 लॉग, ऊपर देखो इसको इसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस x हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 2 माइनस x और प्लस में c, यही आपका आंसर होता है। एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।